शाम का वक्त था। बर्फबारी शुरू हुई थी, इसलिए ठंड भी शुरू हो चुकी थी। मंदिर के प्रांगण में एक सीमेंट बेंच पे बैठ के शारदा वहाँ कांप रही होती है। वो अपने पति प्रसाद को देखती है और बड़े गुस्से से देखती है। अब बताइए, आपको क्या कहना था जो मंदिर बुला लिया है? क्या मामला है? भगवान कसम खा के कहो शारदा, जो कहोगी सच कहोगी। आज आपको क्या हो गया? इससे पहले तो आप कभी भी इस तरह मंदिर बुला के नहीं लाए और ना ही कभी मुझे कसम खाने के लिए कहा। ये दोनों देवरानी का मामला है शारदा। क्या हो गया उन्हें? दोनों तो ठीक ही है। बड़ी बहू अनामिका तो बहुत अच्छी है, पर छोटी बहू अमृता को लेकर चिंता है। वो जो कर्म करते हैं उसी का फल भुगतते हैं। जानबूझ के ना मैं अमृता को आराम दे रही हूँ, ना अनामिका को मैं परेशान कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है शारदा। तुम जानबूझ के अमृता का ज्यादा ख्याल रखती हो और जानबूझ के अनामिका को बहुत परेशान करती हो। अपनी आंखों से आप सिर्फ बड़ी बहू की तकलीफ देख रहे हैं, पर आपको मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। देख पा रहा हूँ शारदा, तभी तो बात करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ मंदिर ले आया हूँ। तो अभी मैं अपनी तकलीफ बताओ या फिर उन दोनों देवरानी की तकलीफें बताओ? तुम अपनी तकलीफ के बारे में बोलो। घर जाके मैं सब कुछ बताऊंगी, मुझे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम घर नहीं जा रहे शारदा, पता है तुम्हें हम दोनों को भी ठीक से बात किए हुए कितने दिन हो गए। तो आप क्या चाहते हैं, हम इस ठंड में बैठकर प्यार भरी बातें करें? वाह रे वाह शारदा, तुम तो सब खुलासा कर दी, अपनी दिल की बात बता दी। कभी कभी तो हम दोनों को भी आशिक की तरह बातचीत करना चाहिए ना। एक बात तो मैं समझ गई हूँ, भक्ति के खातिर आप मुझे यहाँ मंदिर में नहीं लाए हैं, आप बस चाहते हैं कि ठंड से मैं मर जाऊँ। अरे शारदा, ऐसा क्यों कह रही हो? और मैं क्या कहूँ, इतनी ठंड में आप मुझे लव बर्ड्स की तरह प्यार भरी बातें करने को कह रहे हैं। मैं आपको सब खुल के बताऊंगी, चलिए पहले घर चलिए। इतना कहकर वो बेंच से उठकर जहाँ कार लगी हुई थी वहाँ चल के जाने लगती है। अब चूंकि कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए प्रसाद उठ के शारदा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर दोनों गाड़ी में बैठ के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अंधेरा हो चुका था, बाहर बर्फबारी हो रही थी। उधर अनामिका छत पे खड़ी थी। ठंडी हवाएं और बर्फबारी की वजह से अनामिका ठंड से कांप रही थी। तभी छोटी देवरानी अमृता गर्मा गर्म चाय बना के छत पे ले आती है। बहन, चाय पियोगी क्या? नहीं दीदी, माँ जी आई क्या? नहीं बहन, वो नहीं आए। सासू माँ को लेकर पिताजी मंदिर गए हैं, पता नहीं फिर कब वापस आ जाए। अभी सासू माँ नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ी देर तुम आराम से एक जगह बैठ सकती हो। क्यों दीदी, अभी प्यार भरी बातें क्यों कर रही है? सासू माँ के सामने आप हमेशा अच्छी बनती है और मुझे बुरा बना देती है, जैसे कि मैं उनकी बात ही नहीं सुनती और ना ही उनका कहा हुआ कोई काम करती हूँ, फिर भी आपको सुकून नहीं? अनामिका, सासू माँ की नजरों में अगर मुझे अच्छा बनना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो बुरा बनना ही होगा, है कि नहीं? वो तुम हो जो घर का सारा काम करती हो और पूरा श्रेय मुझे जाता है। इतना कहकर अमृता गर्मा गर्म चाय पीती है और अनामिका ठंड से कांप रही होती है। उधर शारदा कार में बैठी हुई थी और प्रसाद धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। दोनों बहुएं जो हमारे घर में आई हैं वो मिडिल क्लास परिवार से हैं, पर बड़ी बहू जो मैं कहती हूँ आज्ञाकारी की तरह पूरा काम करती है, पर अनामिका नहीं करती है। ऐसा भाव करती है जैसे वो सुनी नहीं पाई। शारदा, पूरा विश्वास है कि तुम जो कह रही हो वो गलत है। आपको तो लगेगा, आपको कुछ समझ है क्या? वैसे तो आप सिर्फ छोटी बहू अनामिका को ही सपोर्ट करते हैं। इस तरह गुस्से से कहकर शारदा अपना मुंह फेर के बैठ जाती है। ठीक उसी वक्त जयत्रा कॉफी शॉप में दोनों भाई संतोष और रमेश दोनों बैठे होते हैं। उस वक्त रमेश दुखी था। चिंता मत करो मेरे भाई, कभी ना कभी माँ को भी समझ में आएगा, तब देखना वो अनामिका के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही है, तुम परेशान मत हो। परेशान नहीं होऊंगा तो क्या करूँ भैया, भाभी ने फोन करके मुझे बताया कि जो पनिशमेंट दिया था, और कैसा पनिशमेंट दिया था अनामिका को, 3 घंटे तक वो अनामिका को छत पे खड़ी रखी थी। क्या, इतनी ठंड में, ऊपर से बर्फबारी में? अरे अनामिका अभी कैसी है? इसलिए भैया मैं और अनामिका सोच रहे कि अलग से रहना शुरू करेंगे। इस तरह कहने पे संतोष शॉक हो जाता है और रमेश बार बार पूछता रहता है।
क्या हुआ भैया, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह अलग परिवार मत करो भाई, एक बार माँ से तुम बात करो ना। इस तरह दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी तभी वेटर दोनों के लिए कॉफी लेके आता है। दोनों कॉफी पीने लगते हैं। उधर प्रसाद कार बड़े ही सावधानी से चला रहे थे। देखो शारदा, हमारी बड़ी बहू अमृता और छोटी बहू अनामिका दोनों ही समान है। छोटी बहू से सारा काम कराओगी तो कैसे चलेगा बताओ? वही तो मैं कह रही हूँ, अनामिका मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। तुम ऐसा मत सोचो शारदा, आज से तुम सारा काम बड़ी बहू को ही करने के लिए कहो, फिर देखते हैं छोटी बहू क्या करती है। हमें नहीं पता कि वो मिल बांट के काम करेगी या फिर अकेले अकेले करेगी, यही तो देखना है। प्रसाद के इस बात पे शारदा भी सोचने लगती है। उसे लगता है कि उसके पति ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। फिर गाड़ी आके घर के सामने रुकती है। अमृता गाड़ी की आवाज सुनते ही भागते हुए जल्दी जल्दी वो किचन में चली जाती है। शारदा गाड़ी से उतर के सीधा वो छत पे जाती है देखने के लिए। देखती है अनामिका तभी भी छत पे खड़ी है और ठंड से कांप रही है। शारदा को बड़ा बुरा लगता है। वो अनामिका को साथ लेके घर में आती है। फिर सुबह होती है। सुबह सुबह शारदा देखती है घर के बाहर कहीं भी रंगोली नहीं है। वो हॉल में जाती है। उसे बड़ी बहू अमृता कहीं नहीं दिखती। शारदा उसके कमरे में जाके दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। नींद के हालत में ही बड़ी बहू अमृता के दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सासू माँ खड़ी है। अमृता, रोज मेरे नींद से उठने से पहले रंगोली हो जाता है, आज क्यों नहीं है? असल में माँ जी, रोज अनामिका देती है। इतना कहकर उसे अचानक से गलती का एहसास होता है। असल में माँ जी, रात में काफी देर तक काम करके सोई थी ना, इसीलिए देर हो गई और मेरी नींद नहीं खुली, अभी जाके दे देती हूँ। काफी देर हो चुकी है, जाओ चाय लेकर आओ। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अमृता किचन की तरफ चली जाती है। शारदा हॉल में आती है। अनामिका उठती है, देखती है उसे बहुत तेज बुखार है। सासू माँ से डरते डरते वो चुपचाप आके हॉल में उनके सामने खड़ी हो जाती है। शारदा उसे देखती है। बुखार की हालत में उठ के क्यों आई हो? वैसे भी घर का सारा काम बड़ी बहू ही तो करती है, वो उठ चुकी है, तुम जाके आराम करो। अनामिका को बुखार से जो तकलीफ हो रही थी उससे ज्यादा तकलीफ सासू माँ की बातों को सुनकर उसे होने लगती है। आंखों में आंसू लेकर वो मनी मन सोचने लगती है। ठीक है माँ जी, चाहे कितना भी मैं काम कर लूं, आपको लगता है मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, सारा काम बड़ी दीदी ही करती हैं। फिर जब आप कहीं रही हैं, तो मैं जाके आराम करती हूँ। ऐसा सोचकर वो दुखी होके अपने कमरे में चली जाती है। उधर किचन में अमृता एक हाथ में चाय पत्ती और एक हाथ में कॉफी पाउडर लेके देख रही होती है। ये दोनों पैकेट में कौन सा कॉफी पाउडर कौन सी चाय पत्ती है? अभी अगर सासू माँ से जाके पूछी तो मेरे बारे में पता नहीं वो क्या सोचेगी, अब मैं क्या करूँ? सोच ही रही थी तभी सासू माँ शारदा किचन में आती है। आके बड़ी बहू अमृता को देखती है। क्या बड़ी बहू, आधे घंटे पहले चाय बनाने को कहा, अभी तक चाय नहीं बनाई, चाय पत्ती उगाने चली गई थी क्या? हाँ, सासू माँ शारदा के इस तरह से कहने पे बड़ी बहू अनामिका चुपचाप खड़ी रहती है। छोड़ो, मैं चाय बना लूंगी, आंगन में पानी छिड़क के अच्छे से रंगोली बना दो। इस तरह कहने पर अमृता बिना कुछ कहे चुपचाप चाय का डब्बा और कॉफी का डब्बा दोनों वहीं पे रखकर बाहर चली जाती है। इसका मतलब है कि इतने दिनों से घर का सारा कामकाज छोटी बहू अनामिका कर रही थी, अमृता सिर्फ दिखावा कर रही थी। मुझे नहीं पता था अनामिका को मैंने कितना डांट फटकार लगाई, अमृता की तारीफ की, ठंड है फिर भी नहीं सोचा, छत पे खड़ा रखा, अनामिका को रेस्ट देना चाहिए। ये सोचते हुए वो चाय बनाती है, साथ ही साथ दूध गर्म करती है। फिर जैसे ही वो हॉल में आती है बड़ी बहू अमृता को देखती है। क्या है, तुम्हें रंगोली देने को कहा, तुम यहीं पे खड़ी हो अभी तक? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, घर का सारा काम काज अनामिका ही करती है, मैं तो बस आपके सामने दिखावा करती थी ताकि आपकी नजरों में मैं अच्छी बन सकूं। उसकी बातें सुन के शारदा को अब बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार लिया था इसीलिए शारदा का गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। शारदा अमृता को लेकर अनामिका के पास जाती है। अनामिका उठ के खड़ी होती है। शारदा दोनों को देखते हुए कहने लगती है। देखो दोनों देवरानिया, तुम लोग दोनों समान हो मेरे लिए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, चाहे घर का कोई भी काम क्यों ना हो, तुम दोनों बराबरी से बांट के किया करो। उस दिन से
घर का सारा काम काज दोनों बहुरानियां मिल बांट के एक साथ करने लगती है। अमृता अनामिका के पास घर का सारा काम काज सीखती है। दोनों बहुएं एक साथ हो जाने पे पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। सर्दियों के मौसम होने की वजह से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। काम में भी हर जगह रोक लगी हुई थी। शारदा का परिवार जो कूली का काम करता था उसे भूख का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त करीबन शाम के 7:30 बज चुके थे। फटे कपड़े पहनकर अपने बच्चे हरीश और भव्या को साथ लेकर अनामिका रोते रोते पैदल चल के जा रही होती है। हे महादेव, जीना अब मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन ये नर्क लगने लगा है। एक तरफ भूख और दूसरी तरफ प्यास, ये सब कुछ जो हो रहा है गरीबी के कारण। इस तरह परेशानी में जीने से बेहतर है आप अपने पास बुला लो। इस तरह विनती करते करते वो पैदल आगे जा रही थी, तभी दुखी होकर हरीश कहता है, इस तरह और कितना चल के जाना होगा माँ? मुझे भी इस बारे कुछ नहीं पता बेटा, सड़क है, पैर है, जब तक ताकत है बस चलते जाना होगा। माँ बहुत भूख लगी है, मैं नहीं चल पा रही हूँ माँ। हाँ माँ बहुत भूख लगी है माँ। बच्चे भूख लगी है कहने पे अनामिका को गुस्सा आता है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, खा लो मुझे, तब जाके तुम लोगों की भूख मिटेगी और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कैसे हो तुम लोग? इस तरह कहकर दोनों बच्चे की वो बहुत पिटाई करती है। बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों को इस तरह मारने के बाद वो भी दुखी होकर रोने लगती है। रोते हुए दोनों बच्चों को देखकर वो उन्हें अपने पास खींचती है। सॉरी माँ, अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर अनामिका बहुत दुखी होकर परेशान हो जाती है। वो रोते रोते बच्चों से कहती है, मैं क्या करूँ बच्चे, मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम लोगों की भूख कैसे मिटाऊं। करने के लिए कोई काम नहीं है, काम कर भी लो तो वो ठीक से पैसे नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रात दिन देखे बिना मैं एक एक मंदिर का चक्कर काट रही हूँ ताकि प्रसाद खा के थोड़ा पेट भर सके। वो इस तरह से कही रही थी तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। अनामिका पलट के देखने लगती है कि आसपास मंदिर कहाँ है। फिर से मंदिर की घंटी बजती है। बच्चे लगता है आसपास कोई मंदिर है, हम वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ प्रसाद मिलेगा, हम प्रसाद खा के पानी पी के घर जाएंगे। जैसा आप कहे माँ। ठीक है माँ। इस तरह बच्चों के कहने पे अनामिका उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। सामने में उन्हें एक मंदिर दिखता है। अनामिका बच्चों को साथ लेकर खुशी खुशी मंदिर के तरफ जाने लगती है। उधर अपने मिट्टी के घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर शारदा अपने पति प्रसाद के साथ बहू अनामिका, पोता हरीश और पोती भव्या का इंतजार कर रहे होते हैं। और रमेश उधर बगीचे में एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। ये क्या शारदा, बहू अभी तक बच्चों को लेकर लौट के नहीं आई। मुझे क्या पता जी, लगता है भूख के मारे बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं जाके एक बार देखता हूँ। इधर से तुम गए और बहू बच्चों को लेकर घर आ गई, फिर क्या होगा? फिर बेटे के लिए मैं जाऊँगा शारदा। बेटा रमेश, तुम जाके देखो बहू बच्चे कहाँ है और उन्हें साथ में घर ले आओ। ठीक है पिताजी। ऐसा कहके रमेश घर से निकल जाता है। हमारी इस गरीबी की जिंदगी बदल नहीं सकती क्या? क्यों नहीं शारदा, आशा और कामना करके आगे बढ़ना होगा। क्या आगे बढ़ना है जी, करने के लिए कोई काम नहीं, खाने के लिए राशन का सामान नहीं, बताइए हम क्या करें? पिछले 4 दिनों से जैसा चल रहा है वैसे ही चलाना होगा बस। घर घर जाके कह रही हूँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। हाथ पैर तो तुम्हारे काम कर रहे हैं, कहीं जाके काम करके खाओ। हम काम मांगते हैं तब कोई काम देना नहीं चाहता है, अब आप ही बताइए हम इस तरह से क्या करें? शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चले जाते हैं। उधर रमेश पैदल जा रहा था अपनी पत्नी अनामिका, बच्चे हरीश और भाव्या को ढूंढते हुए, पर उसे वो कहीं नहीं मिलते हैं। इस तरह जब वो चलते चलते आगे जा ही रहा था, उधर मंदिर के सामने अनामिका अपने बच्चों को भिखारियों के पास ले जाती है। वहाँ गरीब भिखारी कमला, सुरेश, वीरेश उन लोगों को नहीं जानते थे, यही कि ये भी अपने बच्चों के साथ मंदिर में भीख मांगने आई है। कुछ दान करो, पुण्य मिलेगा। तुम्हारे बच्चे बड़े होकर महान होंगे, कुछ दान करो माँ। अरे रुको रुको, माँ का मन बहुत बड़ा है,
हम तो यहाँ बस तीन हैं, वो हमें जरूर दान करेंगी। इस तरह कहने पे अनामिका उन्हें दुखी होकर देखती है और हाथ जोड़ के कहने लगती है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे दान करने नहीं आई हूँ, तुम लोगों की तरह भीख मांगने आई हूँ। अनामिका के इस तरह से कहने पर वो सभी लोग आश्चर्य होकर अनामिका को देखने लगते हैं। ठीक उसी वक्त हरीश, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पंडित जी कब आएंगे माँ? माँ जैसे भैया ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा है, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, जैसे ही पंडित जी आएंगे मंदिर से, वो हमें प्रसाद देंगे, मैं अपना प्रसाद भी तुम लोगों को दे दूंगी। अनामिका इस तरह कहती है, लेकिन हरीश को भूख बर्दाश्त नहीं होता, वो मंदिर के तरफ जाने लगता है। देखकर अनामिका परेशान हो जाती है। बेटा हरीश, मेरी बात सुनो बेटा, इस तरह से मंदिर के अंदर मत जाओ, पंडित जी देखेंगे तो तुम्हें मारेंगे। इस तरह कहने के बावजूद हरीश अनसुना करके पंडित जी के पास भाग के चला जाता है। अनामिका जब चिल्ला कर कहती है तो वो सारे भिखारी मजाक में कहने लगते हैं, अच्छा तो तुम भी हमारे ही तरह हो। हाँ दीदी, मैं भी यहाँ आपके तरह ही भीख मांगने के लिए आई हूँ, हमें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, कहीं काम मिल भी रहा है तो पैसे नहीं दे रहे, मार पीट के भगा दे रहे हैं, अगर कह रहे कि कम से कम दो वक्त का खाना दे दो, वो भी वो हमें नहीं दे रहे हैं। जब वो इस तरह से दुखी होकर कह रही थी तो सुरेखा गुस्से से कहने लगती है, तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, जो मिलता है वो हम तीनों के लिए काफी नहीं है, तुम तुम्हारे बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से जाओ। ऐसा न कहिए, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम खाना लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अगर प्रसाद ही चाहिए तो पंडित जी के पास जाओ, वही देंगे। वहाँ जाके लेंगे तो थोड़ा सा देंगे, पर यहाँ आकर वो देंगे तो सारा बचा हुआ खाना देंगे, यहाँ थोड़ा ज्यादा मिलेगा, उससे बच्चों का ठीक से पेट भर जाएगा। यहाँ अनामिका कह ही रही थी तभी उधर से पंडित जी हरीश को पीटते पीटते गाली देते हुए वहाँ ले आते हैं। अनामिका रोकने की कोशिश करती है, अरे पंडित जी आप इस तरह से उसे क्यों मार रहे हैं? जो काम उसने किया है उसके लिए मारने लायक है, लोरी गाने लायक नहीं है, मुख्य मंदिर में जाके देवी माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा था, बेवकूफ। ऐसा कहते हुए वो गुस्से से अनामिका के सामने ही उसे एक और थप्पड़ लगाते हैं। अरे रे बच्चा है, भूख सह नहीं पाया इसीलिए ऐसा किया है, माफ कर दीजिए। अनामिका जब विनती कर ही रही थी तभी पंडित जी की नज़र वहाँ बैठे बाकी भिखारियों के ऊपर जाती है। इन लोग अगर यहाँ पे रहे मैं तुम लोगों को भी प्रसाद नहीं दूंगा, इन लोगों को यहाँ से भगाओ। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। हरीश रो रहा था, अनामिका उसे समझा रही थी। कमला सुरेखा वीरेश आके अनामिका से विनती करने लगते हैं। फिर अनामिका बच्चों को लेकर वहाँ से घर के तरफ जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ वो रमेश से मिलते हैं। रमेश भाव्या को गोद में ले लेता है और बेटे को रोते हुए देखता है। क्या हुआ अनामिका, बेटा इस तरह क्यों रो रहा है? इस तरह पूछने पे अनामिका पूरी बात खुल के बताती है। रमेश उनको समझाता है और फिर अपने साथ घर वापस ले आता है। घर पे लौट आने के बाद बहू और बच्चों को देखकर शारदा और प्रसाद को थोड़ी शांति मिलती है। क्या हुआ बहू? जब हम घर आ रहे थे हरीश भूख लगी है कह के रोने लगा, रास्ते में हमें एक मंदिर नजर आया, हमें लगा प्रसाद मिलेगा, हम वहाँ चले गए, वहाँ जाके हरीश सीधा देवी माँ का प्रसाद खा लिया, पंडित जी ये देखकर उसे बहुत मारे। उस पंडित को ये नहीं पता क्या बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं? नहीं पता होगा, नहीं तो मारते नहीं ना। इस तरह शारदा पंडित जी को कोसती है और फिर हरीश को लेकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रसाद और रमेश एक बिस्तर पे सो जाते हैं। शारदा और अनामिका बच्चों को लेकर जमीन पे सो जाती है। अगले दिन शारदा प्रसाद रमेश अनामिका दुखी होकर बैठे हुए थे। हरीश और भव्या भूख लगी है कहकर हल्ला कर रहे थे। भूख लगी है कह रहे हो, मैं क्या करूं? जाओ वहाँ पे घास है, जाके खा लो। कच्चा घास कैसे खाओ माँ, घास का कुछ बना दो हम खा लेंगे। इस तरह कहने पे वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उत्साहित होकर जाके अनामिका घर के पास से घास काट के ले आती है, उसे पीसती है और बेलन चक्की में उसे रोटी के तरह बना देती है। उसे खाकर हरीश और भव्या बहुत खुश होते हैं। बहन देखो माँ ने घास से रोटियां बनाई है, आज मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगा। नहीं भैया मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगी देखो। ऐसा कहकर हरीश और भव्या लड़ने लगते हैं। उधर अनामिका गुस्से में रोटियां बना रही होती है। रोटियां अच्छी है कहकर बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। उनके कहने पे शारदा प्रसाद रमेश भी घास से बनी हुई रोटियां खाते हैं।
घास से बनी हुई रोटियां उन्हें भी पसंद आती है। बहू तुम भी खा लो, घास की रोटियां अच्छी है। नहीं माँ जी, मैं नहीं खाऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ हुआ कम से कम मैं तो रहूंगी देखभाल करने के लिए। कुछ नहीं होगा बहू, भूख क्या जाने चावल और घास में क्या फर्क है। तुम भी खा लो, खाओगी तो अच्छे से नींद आएगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए माँ जी चैन से सोए हुए। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होती है। इस तरह गरीब बहुरानी अनामिका अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए घास की रोटियां बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। बड़े ही मुश्किल और कष्ट के साथ उनके दिन निकलते हैं और वो इसी तरह एक साथ मिलके जिंदगी गुजारने लगते हैं।